चलो भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का सीन होने वाला है बिल्कुल खतरनाक। हम हो चुके हैं हाफ रेडी और बाहर हो रही है ठंड। अभी नीचे एक इनर है, उसके ऊपर हुडी है और फिर जैकेट है। भाई साहब ठंड बिल्कुल ही खतरनाक। और आज का सीन कुछ ऐसा है, ऐसा क्या बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि कल है बसंत पंचमी और अभी मेरे को लेने जाना है पहले शुभम को, शुभम है हसनपुर, और उसके बाद चलते हैं मार्केट, मार्केट चलते हैं पतंग लेने के लिए। भाई साहब आतंक मचा देंगे। और मौसम गाइस, अभी हम कर रहे हैं शुभम का वेट और शुभम आने वाला है। अब ये पता नहीं इधर से आएगा, इधर से आएगा या इधर से आएगा, दोनों मतलब पीछे से घर से आता है दोनों से। अभी देखते हैं किधर से आता है। उसको कॉल तो किया था कि मैं भाई आ रहा हूँ। कहाँ रह गया भाई, बहुत टाइम लगाता है। ये आ गया शुभम, ये आ रहा भाई, सुबह सुचा भाई, ये आ रहा है अभी, ये करेगा ड्राइविंग। चलो अभी ये लगाए, मास्क लगाओ पहले। हाँ मास्क लगा चुके। और ठंड लग रही भाई, फूल तभी तो कैप होगा, तो कैप लगाएगा अभी भाई। ये लगी कैप, अभी करिए एक्टिवा स्टार्ट। और इधर से हम आए थे, इधर को हम जाएंगे, मतलब इधर से आए इधर को जाएंगे। सही है भाई, यहाँ से वहाँ को जाए। स्टार्ट एक्टिवा। थोड़ी सी रेस भाई, अभी पता है क्या हुआ मेरे साथ भाई, मेरे साथ में भी बाहर क्या होता है, मैं अपना फोन ले रखा था। अच्छा, तो मतलब एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, उनके कोई रिलेटिव होंगे यहाँ पे, उन्होंने मेरे फोन से कॉल किया कि भाई एक कॉल करा दे मेरी। मैंने तेरे पास कॉल किया था बाहर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरी कॉल करा दे, तो मैंने उनकी कॉल कराई भाई। उनके हाथ से फोन गिरने ही वाला था समझे भाई, मैंने ऐसे पकड़ा उनके हाथ से फोन, मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो, मतलब दादा ध्यान से, मैंने कहा ऐसा मत भाई। मेरे दिल में धड़कन ऐसी बढ़ी थी, मैंने पता क्या करा, फिर कॉल करके उनका अपना फोन स्पीकर पे करके मैंने जब कहा अंकल को, मैंने कहा अंकल बोल दो भाई, मेरे सही बता रहा, मतलब क्या ही कहूँ इस बारे में, तो मैं मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी भाई। जाना किधर है, फाइनली पतंग हमने ले लिया। और भाई मार्केट में इतनी भीड़ है कि इधर देखो सारी जगह पतंग ही पतंग है, इधर भी पतंग ही पतंग है, मतलब सारी तरफ। और हमने इधर से ली थी, अभी हमें चलना है घर, क्योंकि पॉपआउट हो जाएगा, बारिश आने वाली है, और बारिश आ गई तो पतंग सारी ख़राब हो जाएगी। अभी चलते हैं एक्टिवा निकालने। समझ रहे हो, समझ रहे हो, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे और हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। और शुभम गया है नितिन के पास, हाँ दूसरा दोस्त है मेरा एक और नितिन, मेरा नाम भी नितिन है, उसका नाम भी नितिन है, तो शुभम गया उसके पास।
और भाई अभी मार्केट में आए और मार्केट में लग रही थी भीड़, पता नहीं अपनी आ चुकी है कल के लिए, और कल होने वाला है धमाल पूरा अगर भगवान ने साथ दिया, क्योंकि दो दिन से बारिश आ रही है लगातार बिल्कुल। और अभी भी मैं मार्केट से आ रहा था, बारिश आने वाली थी, जल्दी जल्दी ले गया एक्टिवा को, फाइनली घर पे पहुंच गया बारिश आने से पहले, वरना सारी पतंग आज ख़राब हो जाती बिल्कुल। और आई थिंक मेरे को दोबारा जाना पड़ सकता है मार्केट, दोस्त बोल रहा था एक और कि मेरे को भी जाना दोबारा, अब इसको लेके जाएंगे, बट प्रेयर करो कि कल बारिश ना हो और कल आतंक मचे फुल, क्योंकि कल बसंत पंचमी और तो मज़ा फुल आने वाला है। अभी लेट हो गया हूँ तो मेरे को जाना है जिम में, शुभम को लेगा तो उधर से, और शुभम को फिक्र है नहीं बिल्कुल भी जिम की, कि जिम जाना है नहीं जाना है, बस अभी देखते हैं उसको और फिर चलते हैं जिम में, उसके बाद चलते हैं शाम को अगर मार्केट जाना हुआ, भाई से पूछूँ पहले मैं, अगर चलोगे या नहीं चलोगे, और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और अभी बारिश हो रही है बहुत भयंकर, और अभी देर चल रही थी, और अभी हम आए मार्केट से, और मैंने कहा था अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मैं घर पे था उधर शायद शुभम के पास, और अभी जिम जाना है और मार्केट से आए हम, और मौसम दिखाऊँ आपको भाई, मौसम दिखा दे, मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है, और भाई मौसम देखो बिल्कुल ही खराब, और कल का सीन वगैरह भाई अगर भगवान ने थोड़ी कीचड़ रखी कर दे थोड़ा चला, एक ही उड़ रही है अभी पतंग, बस इसने भी पता नहीं क्यों उड़ा रखी है भाई। और सीन कुछ ऐसा है कल का भी कि भाई आतंक बचने वाला है फुल अगर मौसम खराब ना हुआ, भाई प्रेयर करो भगवान से मौसम खराब ना हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू सेम एपिसोड, और क्या बोलूँ आज का मेरे साथ क्या हुआ, इतना बड़ा पोपट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये लाइफ में मेरे साथ कभी भी इतना बड़ा पोपट कभी ना हो। आज का सीन क्या ही था और मेरे साथ क्या ही हुआ, मैंने सोचा था कि आज बसंत पंचमी है तो फाइनली कल मैंने शॉपिंग करी, पतंग वतंग मांझे वांझे सब ले गया कि एपिसोड बनेगा पूरा बसंत पंचमी पे, और आपको दिखाया मतलब पतंग वतंग के फुल मज़े ले जाएंगे, पूरा प्लानिंग थी कितने मज़े ले जाएंगे, पूरी प्लानिंग थी। बट आज सुबह सुबह जब मैं उठा अपना 10-11 बजे तक मैंने सुमन का भी कॉल कर दी कि भाई तू आ जाना, आई थिंक 11:30 बज रहे थे, फ़ोन में एकदम पता नहीं एट अ टाइम क्या प्रॉब्लम आई कि फ़ोन ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर दिया। मेरे को बहुत टेंशन हुई क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना एक्साइटेड था कि जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, कि बहुत एक्साइटेड था आपको दिखाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं केयर में फ़ोन किया, केयर ओपन था, मैं फ़ोन को केयर में लेके गया तो उन्होंने मांगा कि भाई 4-5 घंटे लगेंगे आपके फ़ोन मतलब ठीक होने में, तो था ही करता उस टाइम पर मैंने फ़ोन दे दिया क्योंकि मेरे को नेक्स्ट व्लॉग भी बनाना था। बट 4-5 घंटे मेरा फ़ोन आया 6 बजे, और 6 बजे का मतलब है बिल्कुल अंधेरा, पतंग वतंग कुछ नहीं उड़ रही थी भाई। मेरे साथ लाइफ में इतना बड़ा पोपट हुआ ना आज कि इतना बड़ा पोपट कभी ना हो, और मैं क्या बताऊँ इस बारे में आपको। फिर मैंने लास्ट टाइम शुभम को भी घर भेज दिया, मतलब पतंग वतंग उड़ा के थोड़ा बहुत इन्जॉय करके, छोटी मोटी क्लिप बनाई थी मैंने दूसरे वाले फ़ोन से, वो मैं आपको एंडिंग में या स्टार्टिंग में दिखाऊंगा। और बात ये है अब का तो चलो मूड ऑफ नहीं करना, अभी है एक दोस्त का बर्थडे, तो उसने किया था कॉल कि भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलना है, तो भी पहले उसके साथ चलते हैं, फिर थोड़ी और आगे बात करूँगा मैं आराम से आपसे। तो भी एक आ चुका है और ये भाई पूरे रेडी हो गया है, दूसरा कहाँ है भाई, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय आगे कर रहा है वेट, पहले लोग लेते हैं अपनी बाइक और चलते हैं। फाइनली बर्थडे बॉय हमें मिल चुका है, ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, आगे हाँ लोग ही ब्रो, ये हमारा बर्थडे बॉय, और ये किए ये आज, ये देखिए भाई ये इसके लिए गिफ्ट है क्या, ये शिवांश भाई तुम भी जाओगे ना पार्टी में, इसकी पार्टी हो चुकी अभी, ये और मैं पेंडिंग हूँ, और हम देने वाले चलते हैं पहले बाइक इधर खड़ी, क्या कर रहे फिर यहाँ पे वेट क्यों कर रहे, चलो लग रही है पार्किंग में, ये आज सुबह लगा दी आएगा, अभी चलते हैं ऊपर, चलो ब्रो भाई रोशनी 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 ब्रो रोशनी रोशनी, ये कहाँ लेके आ गए ब्यूटी पार्लर भाई, पार्टी है उसकी, हाँ इधर है ये रहा रास्ता, चलते हैं ऊपर भाई
तो बर्थडे बॉय आज पार्टी सेलिब्रेट। ये हो चुकी है हमारी फैंसी, यहाँ भी चैन नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड से लगा पड़ा यहाँ भी, है ना। हाँ नहीं मेरे को पता। और भाई सीन देखो, सब मतलब सामने एकदम जिम है, ये रहा जिम, और ये अपनी टेबल, अपनी क्या कोई भी बैठ के यहाँ पे बैठे। अभी इधर चलेगा सेलिब्रेशन, ये रहा बर्थडे का टैग भाई। ये कल बात करूँगा, और ये बोल रहा है अभी कि अभी फ्री नहीं हूँ, कल बात करूँगा। क्या मैं क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज करो। कोई बात नहीं, करने दो उसको कल बात। एक सीक्रेट दिखाऊँ, सीक्रेट दिखाऊँ आपको, ये हमारी सीक्रेट जगह, ये भी हमारी सीक्रेट जगह, और ऐसी ऐसी दो है सीक्रेट जगह। अरे यार सीक्रेट नहीं है, बैठूँगा आराम से बैठ, प्राइवेसी है बस थोड़ी सी।